उसको चलाती है कितने लोग और नॉन गवर्नमेंट नॉन पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है और ओवरऑल गुड गवर्नेंस क्या होती है उस बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आने वाले हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी आएगी जो uh, uh, आप फर्स्ट टाइम uh, जान रहे होंगे लेकिन यू नो द सिस्टम इज देयर बट हमने उसको उस नजरिए से कभी नहीं देखा होगा ओके एक बेसिक सा लेना चाहूंगा कि राशन कार्ड राशन राशन कार्ड कार्ड आप सभी को पता होगा क्या होता है एंड मे बी आपने कभी राशन ऑफिस में जाके यू नो नेम चेंज या एडिशन ऑफ नेम और कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें कराए होंगे तो क्या प्रोसेस होता है कितनी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है कैसे उसमें टाइम लगता है ये सारी चीजें एक जो एक सिस्टम है आ, 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 उसके पीछे की गवर्नमेंट पब्लिक को सिटीजन को राशन कार्ड का फैसिलिटी दे रही है और कैसे वो पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है वो जो चीज आती है वो उस उस, उस चीज को वो अगर स्मूथली वर्क करता है तो उसको हम बोलेंगे गुड गवर्नेंस है यहाँ पर सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये कंसेप्ट है पूरा और बहुत ही ब्रॉडर वे में हम आज उसको देखने वाले हैं लेट्स टाइम इन टू द चैप्टर इन दिस चैप्टर we will explore the concept of good governance and citizen-centric administration, which has become an important aspect of changing nature of public administration, particularly in the era of globalization. to keh rahe ki globalization aate hi कैसे public administration का पूरा नजरिया बदल चुका है और कैसे उसका nature बदल चुका है अभी और अब सब कुछ citizen-centric है, यानी कि citizen को दिमाग में रखते हुए citizen को easy इस चीज क्या हो आज हमारे फिंगर टिप्स में हम बैठे बैठे हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं हम आ, आधार अपडेट कर सकते हैं एड्रेस चेंज कर सकते हैं हमारे पास वेबसाइट आ, के थ्रू इंटरनेट के थ्रू तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है कि टू मेक द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सो इफेक्टिव सो एफिशिएंट कि लोग बड़े कंफर्ट में रहकर अपने आराम से अपना काम स्मूथली ये सब कर सके सो so,

हम उसका हिस्सा भी है हम आ, शायद कभी यूज भी कर चुके लेकिन उसी चीज को उस सिस्टम को आज हम एक मशीनरी के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले कि ये कैसे वर्क करता है फॉर इंस्टेंस यू मे नीड अ बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट आधार कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड एक्सेट्रा वी मे हैव कंप्लेन्स अगेंस्ट द लोकल गवर्नमेंट फॉर नॉट रिपेयरिंग और मेंटेनिंग रोड्स क्लियरिंग द गार्बेज एक्सेट्रा

इसकी कंप्लेन से लेकर यहां तक पूरा ओवरऑल ये सभी चीज आती है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी के अंदर और एक सिटीजन अगर इसको कैसे ठीक करे क्या किसके पास अप्रोच करे कहा जाके ये बात सुनाए और वो बात जब सुनाए तो कितनी फास्ट उसका काम पूरा होगा ये सारी चीज अगर अगेन स्मूथली वर्क करेगी तो उसे हम गुड गवर्नेंस कहेंगे और उसी को हम गवर्नमेंट का सक्सेस कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेसफुली चल रहा है

करने स्टार्ट की जिसमें हमने यह पता लगाया कि अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो यह वैल्यूज इंक्लूड होनी चाहिए इन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में तब जाके हम गुड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना पाएंगे तो वो क्या वैल्यूज है अकाउंटेबिलिटी यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस अकाउंटेबल शुड बी होल्ड अकाउंटेबल मतलब कि अगर वो काम नहीं हुआ है तो वो अपनी जिम्मेदारी को वो समझे और उसको पूरा करे दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट सो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर वो चीज को पूरा करे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए यानी कि आ, हमें हर बात का प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए हर चीज हमारे लिए क्लियर आ, होनी चाहिए हर चीज में हम लूप इन होने चाहिए उसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं एंड सिटीजन फीडबैक और हम जो भी फील करते हैं जो भी हम आ, हमारा एक्सपीरियंस रहता है उसके बारे में हम बोल सके अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो फीडबैक तो ये ये चीजें वैल्यूज हमने उसमें इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया इन चेंजिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वोल ऑफ दुवर्ड्स इट सिलेवें रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम इलेवंथ स्टैंडर्ड में सारा ये देख चुके थे वी सॉ दैट देर आर नैरो होगा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग एंडर रोल इंक्लूडेड जुडिशियल किया ही था चैप्टर हमने कवर किए थे उसके अंदर वी ऑल्सो सो हाउ द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉड इन चेंजेस इन इट्स ट्रेडिशनल रोल ये भी हमने चैप्टर में कवर किया था वी नोटेड दट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दिटीजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उसी में हमने ये बात जानी थी कि सिटीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हम डेवलपमेंट कर पाएंगे टूडे बिसाइड द गवर्नमेंट वेरियस नॉन स्टेट एक्टर्स नॉन नॉन स्टेट एक्टर्स अब हम पहले के चैप्टर में भी कवर कर चुके हैं कौन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन खुद से जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है खुद से वो कुछ ना कुछ हमें

कौन से वर्ड को डिस्क्राइब करता है तो जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज साथ में मिलके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलता रहे कोऑपरेटिव एफर्ट अपना लगाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए तब हम बोलेंगे गवर्नेंस हो रहा है गुड गवर्नेंस हो रहा है ओके दिस इज अ ब्रॉडर व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दस गवर्नेंस इज ब्रॉडर देन गवर्नमेंट तो गवर्नेंस वर्ड का जो मीनिंग है गवर्नमेंट से बड़ा है ओके गवर्नमेंट उसका एक हिस्सा है ओके दस गवर्नेंस इज अ ब्रॉडर देन गवर्नमेंट इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट दैट इज द थ्री ब्रांचेस बट ऑल्सो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन लाइक एनजीओ प्राइवेट सेक्टर एंड सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेस ऑल्सो एम्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन विदोकस ऑन सिटीजन और सब में क्या ध्यान रखना है कि सिटीजन को दिमाग में रखते हुए क्या इंप्रूवमेंट आप ला रहे हो क्या आपका स्टेप्स uh, है कि आप के लिए काम कर रहे हो so, सबसे पहला तो हमें पता ही है हम पूरा हमने ऑलमोस्ट इस स्टैंडर्ड में मेन हमारे सारे चैप्टर्स इसी से रिवॉल्व हुए थे ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड Economy. जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ तो ऑफकोर्स हमें एंड ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ तो ग्लोबलाइजेशन से इंटरनेट आया इंटरनेट से हमारे सभी के पास बड़े आसानी से हमारे पास ये पावर आ गई टू बी कनेक्टेड एट एनी गिवन इंटरनेट के थ्रू okay? so, कनेक्टेड रील्स के थ्रू हमें पता पड़ता है कि कुछ ना कुछ फलाना फलाना इंसिडेंट हो गया जो कि रॉन्ग इंसिडेंट हुआ और फिर आ, ग, पुलिस गवर्नमेंट उसके पीछे उस केस को सॉल्व करने के पीछे लग जाती है और तुरंत उसका यू नो सिंस वो वायरल झुका है तो उसको तुरंत सॉल्व करने के पीछे पड़ जाती है तो ये पावर ऑफ पावर ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऐसा हो गया है कि हमारे पास इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी और इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर कि हम लोग इतने फास्ट कनेक्टेड है और आ, हम लोग आ, उसके थ्रू एक्शन ले पाते हैं उसके थ्रू एक्शन ले पाते हैं उसके थ्रू चेंजेस ला पाते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर Second, international economic relations changed. Trade and investment became an इंटरनेशनल इकोनॉमिक issue. चेंज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिकेम एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल फंडिंग से हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल भी लोगों के साथ चेंज हो गए इकोनॉमिक relations भी चेंज हो गए हमारे और जिससे और ज्यादा फंडिंग एजेंसीज जो अलग अलग होती है जो loans प्रोवाइड करती है फाइनेंस प्रोवाइड करती है उसमें भी चेंजेस आ देर इज एन इंटरनेशनल second पॉइंट है इसी में which इज द चेंजेस दैट सेवरल चेंजेस जो है उसका सेकंड पॉइंट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन देर इज अ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज अब जो सेकंड पॉइंट बोला था उसी को यहां पे वो अलग से बता रहे हैं कि जो फंडिंग एजेंसीज की बात हो रही है तो उनका बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है जैसे कि कौन है फंडिंग एजेंसी मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको पता ही होगा आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ये सभी जो संस्थाएं अलग अलग इंटरनेशनल संस्था है जो मोनिट्री टर्म्स में आपको हेल्प करती है लोन देती है फंड प्रोवाइड करती है इमरजेंसी होती है तो आपको हेल्प करती है कुछ फ्लड या कुछ Uh, कोई भी चीज जिससे घटना हुई जि वहां पर वॉर सिचुएशन है तो वहां पर यूएन फंड uh, प्रोवाइड करता है तो ये सारी चीजें इनके एक डिसीजन से हमारे कंट्री uh, की पॉलिसीज में असर आता है हमारी पॉलिसीज हमें चेंज uh, करनी पड़ी दे वॉन्टेड रिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द कंट्रीज वेकिंग एड इसीलिए हमें अपनी जो ट्रेडिशनल पॉलिसी थी ट्रेडिशनल हमारे जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको हमें उसके अंदर हमें चेंजेस लाने पड़े बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉन स्टेट एक्टर्स सो एन और वर्लनट्री uh, ऑर्गेनाइजेशन कै, कैसे इसमें रोल क्या निभाती है वर्लेंट्री ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

वो कोई अब ऐसी व्यूअर नहीं है कि वो देख रही है कि ओके फाइन गवर्नमेंट ऐसा कर रही है लोगों के साथ तो वो वो होने दो ऐसा नहीं वो आवाज उठाती है वो को सपोर्ट करती है और वो गवर्नमेंट को मजबूर करेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में चेंजेस लाए तो इतना इंपॉर्टेंट रोल आज की तारीख में नॉन स्टेट एक्टर्स निभाते नाउ ये सारे जो चेंजेस इन्होंने तीन ऊपर जो मेंशन किए ये चेंजेस की वजह से हमें अपनी पूरी आ, 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 थिंकिंग बदलनी पड़ी रीथिंकिंग हमें पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो अपना अप्रोच था वो बदलना पड़ा हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसको बदलना पड़ा हमने ये जाना कि हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ वो अब नहीं चलेगा वो सैटिस्फाई नहीं करेगा की रिक्वायरमेंट को इसीलिए हमने अपना अप्रोच शिफ्ट कर दिया तो जो शिफ्ट किया उसी को हम कहते हैं कि टुवर्ड्स गवर्नेंस हम गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ गए तो गवर्नेंस अप्रोच ये हमने लेके आए इन अवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम

हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना वास्ट है इतना वास्ट है सेंटर सेंटर के नीचे अलग अलग मिनिस्ट्री uh, मिनिस्ट्री का एक एक स्टेट स्टेट के नीचे अलग से फिर से मिनिस्ट्रीज उसमें डिस्ट्रिक्ट लोकल पंचायत ये मतलब बहुत वास्ट और बीइंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री आल्सो एंड सो वास्ट कंट्री आल्सो हम बहुत ही हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत बड़ा है तो उसके अंदर चेंज करना मतलब भाई कितनी बड़ी बात हो गई ओके तो वो आसान नहीं है और उसको किस तरह से किया जाए कि गड़बड़ ना हो जाए और सब कुछ पॉजिटिव रहे और सब कुछ हम सिटीजन सेंट्रिक रख पाए तो ये चेंजेस लाना ये रिफॉर्म्स करना एक बहुत बड़ा टास्क था और जो हमने धीरे धीरे आज की तारीख में हम वो कर रहे हैं तो वो एक यहां पर जो एग्जांपल है रेड टिप रेड टिप के बारे में हम पहले भी बात कर चुके कि कैसे एक गवर्नमेंट काम में टाइम लगता है मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ इन इन दुबई यहाँ पर आप आ, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में कोई चीज आप अप्लाई के लिए यू you नो know, करोगे वो लोग स्ट्रिक्टली अगर उन्होंने बोला है कि विद इन फाइव डेज आपको हो जाएगा विद इन डेज बॉस वो हो जाता है एंड इतना खतरनाक आप अप्लाई जैसे ही फॉर्म भरोगे अगर कोई चीज का आपको तुरंत पहले तो एस एम एस आएगा कंफर्मेशन आएगा आपको रिमाइंडर आएगा कि आपका एप्लीकेशन ऐसा हो गया आपका ये 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 मतलब जो कट टू कट सिस्टम है लूप इन रखा है ट्रांसपेरेंसी रखी कनेक्टिविटी रखी ये सब का इस्तेमाल करते हुए दैट इज वेरी गुड गवर्नेंस इंडिया में हमारे यहाँ पे ये सिस्टम अभी तक हम ला रहे अभी तक हम ये डेवलप कर रहे कि अच्छा हमने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका हमें एसएमएस आ गया हमें ट्रैक करना पड़ा ये मतलब हम ला रहे वो सिस्टम तो ये जो रेड टेप था जो ये सिस्टम को डिले कर देता था कि बाबा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फाइल जाते जाते महीनों लग जाते हैं और इंसान सिटीजन uh, का काम अटका हुआ तो ये जो था ये हमें सब हटाना था तो इसलिए हमें रिफॉर्म्स लाना था तो दैट इज द होल पॉइंट हेयर कि हम गुड गवर्नेंस अप्रोच कैसे हमने लाया हुआ है द न्यू मॉडल इन पॉपुलर पॉपुलरली कॉल्ड एज द गुड गवर्नेंस मॉडल ये मॉडल हमने अप्लाई किया हुआ है दिस मॉडल ऑल्सो लुक्सिंकेजेस बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी दिस मॉडल वांटेड टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन सिटीजन सेंटर्ड एंड नॉट रूल तो हमें citizen को दिमाग में रखते हुए uh, आज की तारीख में अगर पासपोर्ट बनाना हो इंडिया में तो कंपैरेटिवली जो पहले था लाइक ट्वेंटी थर्टी इयर्स बैक भी अगर मैं बोलूं जो पहले था बहुत ही ज्यादा मुश्किल था पासपोर्ट बनाना तो आज की तारीख में बहुत कट टू कट सिस्टम करने की बहुत, बहुत कोशिश की अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखे हैं आपको विद इन टेन टू ट्वेंटी डेज पासपोर्ट आपका बन ही जाना है अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट परफेक्ट रखे हुए हैं तो पहले वो बहुत बहुत इश्यू हुए थे मैंने तो तीन चार राउंड मारे थे अपने पासपोर्ट बनाने के लिए लेकिन आज की तारीख में

उसी को कहते हैं गुड गवर्नेंस मॉडल ओके जिसमें हम सिटीजन को दिमाग में रखते हुए चीजें कर रहे ताकि उसको तकलीफ ना हो उसके लिए काम आसान हो जाए सिविल सोसाइटी क्या होती है तो सिविल सोसाइटी बस एक हम सिर्फ लोगों को मिला के नहीं बहुत इंस्टीट्यूशंस भी कम्युनिटीज भी जाती है एनजीओ से लेके लेबर यूनियन से लेकर प्रोफेशनल एसोसिएट से एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन सभी को मिला के सिविल सोसाइटी कही जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी के साथ भी प्रॉपर uh, डील रखता है ताकि वो गुड गवर्नेंस कर सके फॉलोइंग चार्ट गिव्स अस क्लियर ऑफ 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 वैल्यूज दैट आर पार्ट दिस मॉडल तो क्या क्या होना चाहिए हर एक पॉइंट को हम डिटेल में नीचे अभी पढ़ने वाले यहां बस हम रीड करेंगे पहले गुड गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट होती है हमें बहुत क्लियरली ट्रांसपेरेंट यानी कि वही मैंने फॉर्म भर के भरा वहां पे रजिस्ट्रेशन uh, कराई तो मेरे को तुरंत एसएमएस दे रहे हैं कि रिसीव्ड योर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर सो एंड सो फाइल ये क्या होगी तुरंत ट्रांसपेरेंसी इतनी रखी कि वहाँ पे पहुंच गया मुझे पता गया। अकाउंटेबिलिटी यानी कि है रूल ऑफ लॉ इफिशियंट एंड इफेक्टिव इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव रिस्पॉन्सिव ये सारे अलग अलग वैल्यूज है जिससे गुड गवर्नेंस हम बोल सकते हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही अच्छा बहुत ही स्मूथली चल रहा है हर एक पॉइंट को डिटेल में अभी देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा गुड गवर्नेंस के लिए बहुत सारी चीजें करके रखी है ये इट इज इन द फॉरमोस्ट सबसे आगे है गुड गवर्नेंस के अंदर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट तो क्या क्या चीजें आर टी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट उसके अंदर आ जाता है महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल उफ उफ ड्यूटी गारंटी ऑफ सर्विसेज टू तो सिटीजन एक्ट पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट ये सारी चीजें आप

पहली बार कितने सालों बाद ऐसा कुछ नजारा देखने मिला वो भी जम्मू कश्मीर में तो पार्टिसिपेशन अगर पार्टिसिपेशन नहीं करोगे आप पार्टिसिपेशन नहीं करोगे अपने डेमोक्रेटिक सोसाइटी uh, में तो आप वहां पर गुड गवर्नेंस नहीं ला सकते दैट इज वाई पार्टिसिपेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इट एनश्योर दैट वॉइस एंड ऑफ पीपल आर हर्ड पीपल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन तो हमारे लिए यहाँ पर पार्टिसिपेशन यानी क्या होता है वोटिंग करना है रूल ऑफ लॉ वो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज हमने लॉ क्रिएट किए हुए और उसके थ्रू हम सब चला रहे हैं तो रूल ऑफ लॉ यानी हम एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हेल्प से हम लॉज क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम पूरा ये सब सिस्टम चला रहे तो रूल ऑफ लॉ

has been challenged by the 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 value of transparency secret this enables the people to keep the government under public scrutiny हम, आ, आ, हम आ, RTI right to information act क्या है कि हमें कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस क्या पैसा फंड किधर जा रहा है कितना कहाँ यूज हो रहा है वो हमें हक है जानने तो दैट इज ट्रांसपेरेंसी कि हमें हक के जानने का कि तुमने पैसे का क्या यूज किधर किया हुआ है सो सो राइट टू एक्ट तो ता लो, तो ताकि हम पुब्लिक, पुब्लिक हम हम गवर्नमेंट अगर रॉन्ग करेगी उसे उसे पब्लिक पब्लिकली यू नो सजा दे सके इन इंडिया टू फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट तो ट्रांसपेरेंसी आती है से.

सभी को वो अपना आ, 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 प्रूफ ऐसा नहीं कि बनने वाली है बनने वाली है बनती रहेगी हालांकि बहुत बार ये होता है बहुत बार प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते लेकिन स्टिल दे मेक श्योर दे ट्राई टू मेक श्योर कि एक कोई पर्टिकुलर टारगेट उन्होंने रखा है कि ये पांच साल में डेवलप हो जाएगा तो वो मैक्सिमम वो कर ही देते हैं पांच साल में डेवलपमेंट उस चीज का पैसा सो so, एक टाइम फ्रेम है, एक रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए गवर्नमेंट कंसेंसस ओरिएंटेड कंसेंसस ओरिएंटेड क्या है देर आर सेवरल व्यू पॉइंट्स इन अ गिवन सोसाइटी क्योंकि सारे डायवर्सिटी है ना सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स अ डायलॉग बिटवीन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी गुड गवर्नेंस वो है जो सबको आपस में उनके बीच में एक डायलॉग रख सके दिस कैन हेल्प टू रीच अ ब्रॉड कंसेंसस ऑन व्हाट इज द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर द होल कम्युनिटी एंड हाउ दिस कैन बी अचीव तो एक कंसेंसस यानी कि कॉमन ग्राउंड में आना एक कॉमन कंसेंट पे आना कि ओके आई आल्सो एग्री दैट यू आल्सो एग्री दैट ऑल्दो वी बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स डिफरेंट आ, 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 हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है लेकिन हम एक कंसेंसिस पे आते हैं कि ओके दिस इज बेटर फॉर ऑल ऑफ सो दैट इज कॉल्ड ब्रॉड कंसेंसिस पे आ, आ, आना साथ में मिलके

तो ये चीज भी इसके अंदर इस तरह की थॉट प्रोसेस भी आ जाती है जिससे हमारी पॉलिसीज में चेंजेस आ जाते हैं इसी के बेस पे पॉलिसीज बनती है सारी इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस यानी कि हमें इक्विटी वर्ड अब मैं बहुत बार बता चुका हूँ इक्विटी क्या होता है इक्विटी और इंक्लूसिव इंक्लूड करना सभी को साथ लेके चलना कोई बैकवर्ड या कोई ये ऐसा पीछे ऊंच नीच लेके नहीं चलना सभी को साथ लेके सबको इंक्लूड करना है साथ ले. a society's well-being depends on ens ensuring that all its members feel that they have a stake in it no one should feel excluded from the mainstream of society this requires all groups but partic particularly the more vulnerable and have opportunities to improve on maintain their well-being so sabi को ऐसा लगना चाहिए वी आर अ अ पार्ट ऑफ कॉमन सोसाइटी वी आर अ अ पार्ट ऑफ कॉमन कल्चर वी आर अ अ पार्ट ऑफ कॉमन कंट्री ये फीलिंग आनी चाहिए सबके अंदर सबको इंक्लूड करके चलना कि ये हमारे लिए काम होगा कितने लोग को अगर आप देखेंगे न्यूज चैनल्स में जब वोटिंग या यही सारी चीजें होती है तो पूछते हैं कि इस फलाना फलाना पॉलिसी के बारे में आपका क्या विचार है कि गवर्नमेंट ने ये सिस्टम चालू किया है Uh, तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया ये हमें uh, रोजगार में हेल्प कर रहा है हमें बिजनेस में हेल्प कर रहा है हमको लोन्स मिल गए हमने बिजनेस चालू किया कुछ लोग उसी चीज को उल्टा बोलते कि अरे क्या बकवासा कुछ भी निकाला हुआ है हमारे तो कोई हेल्प नहीं हुआ तो ये बताता है कि कैसे सर्टन पार्ट ऑफ द सोसाइटी सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग एक्सक्लूडेड इज फीलिंग नॉट इंक्लूडेड ओके okay, तो ये सारी चीजें हमें रखनी कि हर एक को लगे कि नहीं हमें साथ मिलकर चलना है इंक्लूजन लाना है इफेक्टिवनेस एंड एफिशियंसी गुड गवर्नेंस मीन दैट द प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूस रिजल्ट दैट मेंट है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना इफेक्टिवली और एफिशियंटली इस्तेमाल करना ये एक गुड गवर्नेंस की पहचान है और उसे हम एफिशियंट वाइज इसलिए कह रहे हैं कि हमें यह भी देखना है कि हम एनवायरमेंट डैमेज ना करें So effectiveness and efficiency. Accountability. Accountability is a key requirement of good governance. Not only governmental institution, but also the private sector, civil society organization must be accountable to the public and to their institutional stakeholders. So Sabhi ko public say accountability. Who is accountable to whom depends on whether decisions or actions taken are internal or external to an ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जाम्पल ये अभी एकदम जनरल लाइन लिखी थी कि कौन किसको अकाउंटेबल है जैसे कि एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को अकाउंटेबल है एम्प्लॉयर सोसाइटी uh, को एम्प्लॉयर जो है बिजनेसमैन है एंटरप्रेनर है तो वो सोसाइटी को अकाउंटेबल है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल है वैसे तो हु इज अकाउंटेबल टू हुम ये डिपेंड करता है कि कौन किधर कौन सा डिसीजन ले रहा है इंटरनल एक्सटर्नल इन जनरल एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन इज अकाउंटेबल टू दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय इट्स डिसीजन एंड तो बेसिक बात इसमें क्या समझनी है कि उनके एक डिसीजन मेकिंग से किसको इंपैक्ट होने वाला है किसको फर्क पड़ने वाला है किसको अफेक्ट हो सकता है वो चीज को देखा देख कर रखना चाहिए और उस बेसिस पे अकाउंटेबिलिटी देखनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी एनफोर्सड विदाउट ट्रांसपेरेंसी एंड द रूल ऑफ लॉ और अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसपेरेंसी तो मतलब लानी पड़ेगी पहले और रूल ऑफ लॉ तुमको रखना ही पड़ेगा तभी जाके आप अकाउंटेबिलिटी ला सकते हो क्योंकि वो सामने वाला तो बोलेगा मैं क्यों करूं बट हमने अगर लॉ क्रिएट कर दिया करे नहीं तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा तो फिर ही विल बी अकाउंटेबल फॉर इट और ट्रांसपेरेंसी रख दी कि अरे बताओ तुमने क्या किया उतना फंड जो तुमको मिला था रोड डेवलपमेंट के लिए तो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो वो अकाउंटेबल नहीं होगा सो तो ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ रखना ही पड़ेगा तब जाके अकाउंटेबिलिटी पॉसिबल है तो ये तीन पॉइंट उन्होंने जोड़ दिए साथ में याद रखिएगा तो

अब इंडिया को दिमाग में रखिए हाँ ये हमने पूरा जनरल में पढ़ा एक्चुअली कहीं पे भी इंडिया का नाम नहीं आया था मैंने आपको इंडियन एग्जांपल्स दी और आ, 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 बात की इंडिया की लेकिन उन्होंने इन जनरल वो पहले कंसेप्ट बताया कि ये चीज क्या है अब हम इंडिया को दिमाग में रखते हुए इस बारे में बात करेंगे कि गुड गवर्नेंस के लिए इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या हुआ और?

मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री का नाम दिया हुआ मिनिस्ट्री का नाम क्या है मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन ये मिनिस्ट्री का नाम ओके okay? ये मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट का नाम क्या है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस तो ये आप जरा लॉजिक समझिए क्या है इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अंडर आती है मिनिस्ट्रीज अलग अलग मिनिस्ट्रीज है हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री हो गई तो वैसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल लाना और पब्लिक ग्रीवियंसिस क्या कर रहे हम पब्लिक ग्रीवियंसिस एक डिपार्टमेंट है ये करता है काम क्या काम करता है तो येल्लो टू येल्लो मार्क कर रहा हूं लुक्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया एकदम सिंपल सा लाइन देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट क्या करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया का काम करता है ना तो ये मार्क कर लेना अच्छे से इट्स ऑब्जेक्टिव्स अब इट्स यानी किसका डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट पॉलिसी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस जैसे आपको मैंने बताया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव का अलग अलग हमारा सिस्टम है उसके अंदर हमें कोई लानी है, में, में, किस तरह से वो तो ये उसको, उसका काम है रिफॉर्म्स और दूसरा चीज क्या सेकेंड पॉइंट क्या है टू प्रमोट सिटीजन सेंट्रिक सिटीजन को दिमाग में रखते हुए सारे चेंजेस करने की वर्ड है इस पूरे चैप्टर में याद रखिएगा सिटीजन सेंट्रिक

पासपोर्ट का ही एग्जाम्पल देना पासपोर्ट पहले बड़े मुश्किल से बनता था लेकिन आज पासपोर्ट साइट इतनी ज्यादा उसके अंदर फीचर्स है और इतना एप भी आ चुका है टू ट्रैक द एप्लीकेशन एवरीथिंग तो ये सब कुछ ई इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस के अंदर आता है कि और कुछ ना कुछ बेटर इनोवेटिव मैथड्स लेके आओ ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ईजी हो जाए सिटीजन सेंट्रिक हो जाए और ओवरऑल

पार्टिसिपेटिव और ट्रांसपेरेंट तो ये हमने ऊपर देख ही लिया कि गुड गवर्नेंस के लिए ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो ये क्यों हमने ये दो कोर वैल्यूज क्यों है रखी हुई क्योंकि ये दो कोर वैल्यूज से ही सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पॉसिबल है तो पार्टिसिपेटिव एंड ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है इट शुड बी इफेक्टिव एफिशिएंट एंड रिस्पांसिबल टू द सिटीजन तो अगेन ये देखो बाकी के कोर वैल्यूज आ गए कि इफेक्टिव एफिशिएंट होनी चाहिए और रिस्पांसिबल होनी चाहिए टुवर्ड्स uh, Furthermore, an ethos of the serving and ethos of serving the citizens should permeate all government organization. Government organization should also be accountable to the people. One of the primary functions of the state is to promote the welfare of its citizens. Therefore, an evaluation of the functioning of institution of governance will ultimately have to be based on the satisfaction they provide to the citizens. In this regard, prominence would need to be attached to the voice of the citizens themselves. So again, प्यारी बात है कह रहे कि सब कुछ गवर्नमेंट करेगी ये सब लेकिन गवर्नमेंट ना करे तो उसके लिए कौन होना चाहिए तो उसके लिए भी हमें हमारे पास एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ऐसी होनी चाहिए ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल ठहराए और गवर्नमेंट को भी अपना काम करने पर मजबूत करे दैट इज वाई गवर्नेंस इज लार्जर कंसेप्ट देन गवर्नमेंट ओके okay? तो ये बात यहाँ लिखी हुई है कि लोगों की आवाज वो, वो लोग अपनी आवाज से मतलब तो वॉइस ऑफ सिटीजन बन जाए यानी कि वो अपनी आवाज उठा सके टूवर्ड्स इफ गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दैट इन पर्टिकुलर द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन लुकड एट द द फॉलोइंग इश्यूज टू दश्यूज पब्लिक अब एक्चुअल में वो तो अब सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का काम क्या क्या था उसने थोड़ा बताया बतायाचुअल में रियलिटी में क्या क्या किया अब वो यहाँ लिखा हो अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट तो उसके लिए ये हम पॉइंट पहले ही पड़ चुके हैं कि उन्होंने कोर वैल्यूज को लाने के लिए किया था फोकस वॉज ऑन क्रिएटिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिट्रेशन देर वॉज ऑल्सो नीड टू अवॉइड डीलेज इन दर्विस सबसे पहले तो डीलेज बंद कर रहे थे कि अरे यार आज मैंने आ, अर्जी डाली उसको वो लोग दो दो तीन तीन महीने लगा रहे जबकि यार दस दिन के अंदर काम हो जाना चाहिए था सेवन वर्किंग डेज प्राइवेट सेक्टर बैंक जब आई थी प्राइवेट बैंक आई थी तो उन्होंने क्या किया था अपने आपको कैसे पता था कि वी आर सो बेटर प्राइवेट कंपनीज बेटर कैसे बताई थी उन्होंने बोला था सर सेवन वर्किंग डेज में आपका काम हो जाएगा फाइव वर्किंग डेज में आपका काम हो जाएगा टू वर्किंग डेज में आपका काम हो जाएगा तो ये सारा चीज जो है आज भी अगर आप किसी बैंक के बारे में आप कोई कंप्लेन या कुछ ईमेल डालो आपको तुरंत एक सिस्टम जनरेटेड ई गवर्नेंस का फीचर बता रहा हूं सिस्टम जनरेटेड की ईमेल आ जाएगा कि थैंक यू वी हैव रिसीव योर कंप्लेन योर कंप्लेन आई इज सो एंड सो वी विल बी कॉन्टेक्टिंग यू प्लीज हैव पेशेंस ये 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 ऐसे करके आपको एक आपको एक दिलासा आ जाए कि ओके okay, कि आपकी आपकी बात सुनी गई है आपकी कंप्लेन को सुना गया है आपकी कंप्लेन पे एक्शन लिया जाएगा है ना तो ये सारी चीज अब आ चुकी है दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ गवर्नेंस ई गवर्नेंस तो मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर रिजल्ट ओरिएंटेड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस वेयर टू बी सिंप्लीफाइड मेड यूजर फ्रेंडली मोर रिजल्ट ओरिएंटेड लाओ है ना मोर यूजर फ्रेंडली करो लोगों के लिए आसान करो सब कुछ

उसको जिसमें हमें एक हक मिलता है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन सेटिंग अप्यूशनल मेनिजम टू री एड्रेस ग्रीवियंसिस स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट बनता है कंज्यूमर कोर्ट अलग से कंज्यूमर रिड्रेस यानी अगर आपको कोई अपरिचित मूवी सबने शायद देखी होगी मेरे ख्याल से अपरिचित मूवी में वो आ, आ, हीरो का स्कूटर का वायर खराब हो जाता है तो वो वो बोलता है कि कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा तुम्हारे खिलाफ इसके इस वायर को आपने अच्छा नहीं बनाया प्रोडक्ट आपने बेकार बेचा तो इस तरह का सुविधा रखना कि देर इज अ कंज्यूमर कोर्ट जहां पर आप ऐसे केसेस को लेके वहां पे आप जा सकते हो कि आपको प्रोडक्ट बुरा बेचा गया गुड्स बुरे बेचे गए Okay, इस तरह की इंस्टीट्यूशन रखना ये भी तो मोबाइल अगर आपने देखा होगा आधार आधार का जो था पहले बहुत लिमिटेड सेंटर्स थे लेकिन बाद में उन्होंने लिटरली हर एरिया में एक एक किसी ने रैंडम शॉप खोल के रखी जिसमें ई आधार और आधार सुविधा और यू uh, नो you know, ये इस तरह के से, आ, आधार सेवा केंद्र ऐसे करके शॉप्स खोल दिए थे सभी सभी ने तो ये क्या था दिस इज क्रिएटिंग इंप्रूविंग एक्सेसिबिलिटी लोगों के लिए एक्सेसिबल है कि यार कहाँ जाए यार कहाँ ढूंढने जाए मेन ऑफिस गवर्नमेंट की वो तालुका तहसील में कहा किधर पड़ी हुई है तहसीलदार को मिलने थोड़ी जाएंगे हमको एरिया में कहाँ आसपास मिलेगा तो इस तरह का अप्रोचेस लिया जिसको लोगों को उन्होंने एक्सेसिबिलिटी दिला दी

Since my father was in bank, so ये एक सिस्टम का मुझे याद आ रहा है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे एफिशिएंसी बढ़े पहले अगर आप चेक डिपॉजिट करते थे वो दूसरे बैंक का अंडरस्टैंड लॉजिक दो अलग अलग बैंक है तो मैंने आईसीआईसी बैंक का चेक आपको दिया हुआ है लेकिन आपका बैंक एच डी में तो आपको वो पैसा

तो ये सब सिस्टम हटाकर इंटरनली टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने एक सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम का एक बना दिया कि चेक इन आउट एक ही जगह पे पता पड़ेगा फंड्स डायरेक्ट तुरंत एट अ मिनट एट अ सेकंड तुरंत मैंने पैसे आपको दिए आपको तुरंत मिल जाएगा वैसा वाला इतना फास्ट प्रोसेस आज की तारीख में अवेलेबल है दैट इज टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट फॉर इंटरनल एफिशियंस रिवॉर्डिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हुए भी आप करो कि यार जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप रिवॉर्ड करो ताकि वो और बेटर कर सकते इम्प्रूविंग डिसिप्लिन विद इन दर्गेनाइजेशन ये तो हर जगह होनी चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन में रिड्यूसिंग रेगुलेटरी कंट्रोल तो जो अगेन रेगुलेटरी कंट्रोल जो होता है इंटरनल कंट्रोल जो होता है एक organization का, उसके अंदर ज्यादा कंट्रोल मत रखो थोड़ा सा ऑटोनोमस भी होने दो रिड्यूसिंग होल्डिंग पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम एक्सेट्रा कुछ ऐसे फंक्शंस करो जो एरिया में आप लोगों से कनेक्ट रहे बैंक भी आजकल uh, कुछ होता है जब इंडिपेंडेंस डे होता है या ऐसा कुछ होता है तो अपने एरिया में एक फंक्शन स्पॉन्सर uh, करती है सोसाइटी को मिलके तो ये क्या कर रही है वो दे आर हैविंग अ पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम ओके तो ये सारे पॉइंटर्स हमने किए टू कीप टू ये रिफॉर्म्स हमने लाए टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर टू पीपल कुछ फोटोज दिए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया डायलॉग विद सिटीजन इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस का फोटो दिया हुआ है जनता दरबार और आधार कार्ड के ऑफिस का ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस में आधार कार्ड के लिए करेक्शंस के लिए फोटो दिया हुआ है हर बैंक में आधार कार्ड का आ, आप अप्लाई करने जा सकते थे ये सब उन्होंने बाद में निकाला था जब इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रीच पीपल

इनडेफिनेट फास्ट पे वो चले गए थे टू ब्रिंग लोकपाल इन 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 द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड उन्होंने वो सक्सेस करके दिखाया था और फिर हमारे यहाँ पे सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकपाल चालू हुआ था लोकपाल ओरिजिनली ये आइडिया स्वीडन से आती है जिसमें बेसिकली लोकपाल इज समथिंग लोकपाल पाल मीन्स इंग्लिश में पाल मतलब पैल 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 जो हम बोलते हैं फ्रेंड होता है तो लोक लोक मीन्स पीपल तो लोगों का दोस्त यानी कि हम सिटीजन का फ्रेंड तो लोकपाल वर्ड इस तरह से बनता है ठीक है लोकपाल यानी लोगों का दोस्त यानी कि ये वो इंस्टीट्यूशन था ये वो एक संस्था है जो आपको हेल्प करेगी कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अपना काम नहीं कर रहा है रिश्वत मांग रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है तो आप कहाँ कंप्लेन करने जाओगे क्योंकि वो तो वही कंप्लेन वहीं बैठा हुआ है किसको कंप्लेन करोगे पुलिस वाला ही अगर बैठा हुआ है तो पुलिस वाला ही अगर रिश्वत की बातें करें तो आप किसको कंप्लेन करने जाओगे आईजी वगैरह थोड़ी आपके कॉन्टैक्ट में बैठा हुआ है तो लोकपाल ऐसे में आपको हेल्प करेगा आपको लोकपाल लोक लोकायुक्ता में जाके कंप्लेन करना है और वहां पर जो भी इन्वॉल्व है गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कंप्लेन करना है तो ये ओवरऑल ये सिस्टम लोकपाल सिस्टम हमारे यहाँ पे ट्वेंटी से स्टार्ट किया गया

एलिगेशन किया हुआ है, ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक इट द गवर्नमेंट 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 कमिटमेंट क्लीन एंड अब ऐसा क्यों क्यों खुद खुद ही एक ऐसी बॉडी क्रिएट करेगी कि जो वो ऐसी संस्था करने के लिए राजी होगी हम, हम तो सही वर्क करें अगर हम गलत करेंगे तो हम हमने रखा हुआ है पर्सन जो हमें पकड़ेगा ऐसा तो ऐसा वो लाइन लिखी हुई कि कि इट शोज गवर्नमेंट कितनी कमिटेड है तू ब्रिंग गवर्नेंस द ड्यूटीज ऑफ एनबे आर टू इन्वेस्टिगेस्ट गवर्नमेंट ऑफिशल एनमें आपको ऑलरेडी बताया स्वीडन से लिया हुआ है उसमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र and a pioneer state in India to introduce the concept of local. The Maharashtra Local the Institution came into being in 1972. देखो कमाल की बात ये 1972 से इसका चल रहा है मांग लेकिन वो अभी जाके after 2014 after the Anna Hazare uh, strike and everything uh, भूख हड़ताल उसके बाद जाके वो हम कर पाए uh, उसको follow कर पाए लागू कर पाए लोकयुक्ता सर्व इलूडिंग पोलिकल एग्जीक्यूटिव लेजिलेटर्स ऑफिस ऑफ स्टेट गवर्मेंट लोकल बॉडीज पब्लिक एंटरइजेस एंड अदर इंस्ट्रूमेंटालफ गवर्मेंट तो इन सभी के खिलाफ कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है और इन्होंने अगर कुछ भी हरकत की है जो रॉन्ग है तो आप लोकयुक्ता में जाके कंप्लीट कर सकते

विनाकी चंद्रगोश जनरली ये लोग रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस वगैरह होते हैं जो इस पोजीशन पे आते हैं सिटीजंस चार्टर सिटीजंस चार्टर क्या है सिटीजंस चार्टर इज बेस्ड ऑन द प्रमिस दैट द सिटीजन इज अ किंग तो किंग्स चार्टर हुआ करता था वैसे सिटीजंस चार्टर अभी आया हुआ है तो यहां पर पहले बता रहे हैं कि सिटीजन इज किंग हम राजा हैं और सिटीजन चार्टर यानी कि हमारे हेतु हमारे अच्छे चीजों के लिए क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिस ऑफिस को और किस तरह से करना चाहिए ये एक लिखत इंस्ट्रक्शन क्लियर होनी चाहिए कि किसी ने अगर आपको रजिस्ट्रेशन एक न्यू आधार के कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसको कितने दिन में रिप्लाई जाना चाहिए ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए ही शुड बी गेटिंग रिप्लाइड इन फाइव वर्किंग डेज नहीं हुआ तो क्या एक्शन होनी चाहिए वो भी अवेलेबल होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में कितने डेज में क्या काम कंप्लीट हो जाना चाहिए तो ये सब क्लियरली स्टेटमेंट वाइज लिखा लिखा जाना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पब्लिक ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये बड़े बरबर ये चार्टर क्लियर होना चाहिए कि लोगों को इस इतने इतने समय में इतने इतने टाइम में आपको सब कुछ करके मिलेगा ताकि सिटीजन भी अवेयर रहे और लोग भी जो काम कर रहे हैं उनको हम बोल सके कि यू आर सपोज टू गिव मी इन

आप एफ डी क्लोज करा के अपना अकाउंट क्लोज कराने का फीचर आप कर सकते हो तो अगर पांच दिन में नहीं हुआ वो लिखा हुआ था तो आप उस उसपे उसको अकाउंटेबिलिटी होल्ड कर सकते हो कि हे hey, लिखा हुआ है इट इज इन द चार्टर यू आर सपोज टू डू योर वर्क इन विद इन फाइव डेज एंड वाई इट इज नॉट डन आई वॉन्ट सम यू नो उसके खिलाफ उसके या तो कंप्लेन या तो उसके बदले में मुझे कुछ दीजिए करें है ना तो ये चीज हो सके दैट इज वाई चार्टर एंड स्टैंडर्ड नॉर्म्स आर इंपोर्टेंट सर्विस स्टैंडर्ड आर नॉट मैं एक ये दिया हुआ है महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की जो आ, जो प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया कि सिंपल सा दस्त नोदन करने मिनट में ये काम होना चाहिए देखिए पांच दिन में ये काम होना चाहिए है ना तो ये पूरा अलग अलग उन्होंने टास्क लिखे हुए क्यू और यहाँ पे डेज लिखे हुए कि कितने डेर में वो इतने दिन में ये काम हो ही जाना चाहिए त्याज दिवसी उसी दिन हो जाना चाहिए मृत्यु आ, मृ, आ, मृत्यु पत्रा सील बंद लकोट यानी डेथ सर्टिफिकेट रिलेटेड जमा कुछ करने वहां पे रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी के लिए कुछ चाहिए तो तुरंत ही त्याज उसी दिन हो जाना चाहिए उनको रखड़ा नहीं सकते हो तुम कह रहे नहीं कल आना परसों ये मैंने इसकी एक साइट ओपन करके रखी थी ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा नोधनी व मुद्रा विभाग महाराष्ट्र तो स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की साइट है ये सब कुछ ये ई गवर्नेंस दिखाना चाहता था मैं आपको इसलिए मैं ये साइट ओपन कर रहा हूँ आप भी इस साइट पे आप खुद से चाहो तो Uh, देख सकते हो लेट्स कन्वर्ट इन टू इंग्लिश ओके सो देखिए कैसे ई e रजिस्ट्रेशन आप कर सकते ई फाइलिंग स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेटर है स्टैंप ड्यूटी रिफंड ई पेमेंट तो ये सारे ये जो मैरिज सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए सो so ये सब कुछ आज की तारीख में मॉर्गेज डी क्या है मुंबई कौन से एरिया में कहा पर सब कुछ ये ई e गवर्नेंस करने के लिए इतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इन्होंने आज की तारीख में ये रखा हुआ ओके okay? स नेक्स्ट टॉपिक वही ई गवर्नेंस आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए रिवोल्यूशन इन इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है पोटेंशियल ऑफ एलिवेटिंग द गवर्नेंस प्रोसेस यानी गवर्नेंस प्रोसेस को और बेहतरीन बनाने की ताकत रखता है आईसीटी

वही बात चल रही है कि हमारी गवर्नेंस से एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा काम और तेजी से हो आज की तारीख में भी अगर मुझे आप बोलोगे यार तुमको एक महीना वेट करना पड़ेगा फलाना फलाना डॉक्यूमेंट रिटर्न होने का तो दैट दैट इज ऑब्सर्ड कि क्या बात कर रहे हो यार तुम्हारा सात दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए दैट इज वॉट दे

मौजूद है भाई क्या करना है ना तो ये चीज आती है के तुरंत हो एक इंसिडेंट भी रहा है आजकल मुंबई मतलब मुंबई में और बहुत जगह पे करते भी होंगे बट मुंबई के मुझे पता है तो आप ट्रैफिक देर आर स्कैनर्स एंड टेक योर फोटो दे ट्रैफिक अगर आप विदाउट हेलमेट जा रहे हो या ऐसा कुछ तो आपका फोटो खींच लेंगे और आपका तुरंत कौन से तो उनके ऐप पे रजिस्टर हो जाओगे और अगर आप तभी नहीं पकड़े गए मतलब और कभी भी आप पकड़े गए तो आपके पास आपका इम, आ, गाड़ी का डिटेल जैसे वो डालेंगे तुरंत उसमें आ जाएगा आपका फोटो सब कितना पुराना भी रहेगा तो दिख जाएगा कि ये पर्सन फलाना फलाना दिन पे विदाउट हेलमेट वहां पे पकड़ा गया था और मतलब यू नो निकल गया था और वो कैप्चर हुआ था फोटो तो आपका फाइन दर्ज होगा वहां तो ये सारी चीजें इतनी टेक्नोलॉजी वाइज इतना इस तरह की चीजें वो उन्होंने लाई हुई ओके दिस दिस गवर्नमेंटलिटी तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से हम ये सारी चीजें कर पाते हैं कि यार बहुत फास्ट बन जाता है हमारा पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी रहती है एंड हर चीज सही प्रोसेस स्मूथली चलता है इट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द रीच ऑफ गवर्नमेंट बोथ जियोग्राफिकली एंड डेमोग तो इससे हम जो समझो अभी जो साइट खोली अगर हमारा रियलिटी में पहले अगर देखा जाए तो कहा कौन से एरिया में एक पर्टिकुलर जगह पर ही स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की ऑफिस होती है लेकिन वहां तक कैसे जाएगा बंदा दूसरे गांव में बैठा हुआ है लेकिन बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ साइट अवेलेबल नाउ वो बंदा अपने गांव में घर बैठे बैठे, बैठे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू कर सकता है जो भी है वो ई फॉर्म वगैरह भर सकता है तो ये क्या हो गया जोग्राफिकली डेमोग्राफिकली हम लोग ने वाइडर एरिया गवर्नमेंट ने कवर कर दी over the years, a large number of initiatives have been undertaken by various state governments, central ministries to bring in the era of e-government. efforts have been made at various levels to improve the delivery of public services, simplify the process of uh, assessing them. e governance in india has evolved from computerization of government department to such initiatives in governance such as citizens' centricity, service orientation and transparency. so is, again, our core values, transparency, citizens' uh, centricity,

Of the government of India is to bring public services closer to home to citizens. This is to be achieved by building countrywide infrastructure reaching down to the remotest of villages and large-scale uh, digital uh, dig digitization of records to enable easy, reliable access uh, over the internet. So. सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटाइज कर दो सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए आज की तारीख में अगर आपके पास फिजिकल लाइसेंस नहीं है आप ई लाइसेंस बताओगे, तो भी आपको अलाउ करते हैं सो ये सारी चीजें करना ये सारी चीजें चेंजेस लाना टू तो रीच द रिमोटेस्ट विलेज इन द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरनेट ये करना चाहती है ऑनलाइन तो ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही एग्जाम्पल देते जा रहा हूँ पासपोर्ट का कि सब कुछ आज ऑनलाइन कर सकते हो दिस हैज ब्रॉट एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू पीपल यहाँ पे साइड दी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे आर टी की साइड दी है जिसपे आप लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो या यू नो जो भी आप चेंज कर सकते हो नेम चेंज या एक्सपायरी हुई है तो उसको रिन्यू करा सकते हो तो एक फोटो दिया हुआ है ऑफिशियल साइट next here right to information right to information is one of the most important aspects of good governance good governance is a right to information important it provides access to information about public policies and action it is the key to strengthening participatory democracy uh, and ushering in people-centered governance transparency in government organization makes them function more objectively predictably and enable citizens to participate in the governance process efficiently effectively in a fundamental sense राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ गुड गवर्नेंस तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई कि ये कह रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक बेसिक नेसेसिटी है गुड गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नेंस के लिए ये होना ही चाहिए राइट टू इंफॉर्मेशन लोगों के पास पावर कि वो कभी भी कहीं भी जान सके कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी क्या कर रही कहा किसको कैसे हेल्प कर रही कैसे हमारे क्षेत्र में कैसे रोड के लिए कितने फंड्स रिलीज हुए रोड्स ऐसी बनी तो क्यों ऐसी बनी या क्यों नहीं बनी ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे आ, लोगों का पार्टिसिपेशन मेंटेन रहे और सिटीजन सेंट्रिक चीजें रहे द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट टू थाउजेंड फाइव है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट तो इसके बारे में तो हम पहले भी बहुत डिटेल में बात कर चुके सिटीजन uh, पार्टिसिपेशन तो अगेन

फंक्शंस के अंदर ऑल द प्रोग्रामीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्न सिटीजनिपेंट इन डेवलपमेंट प्रोसेस तो हम सिर्फमेंट uh, हमको मिलेगा नहीं हम डेवलपमेंट के हिस्सा है हम खुद डेवलपमेंट कराने में हेल्प करें इट इज एसेंशियल अप्रोच एंड नॉट अ टॉप डाउन अप्रोच तो इस तरह के अप्रोच को बॉटम अप्रोच कहा जाता है जिसमें हम स्टार्टिंग से इन्वॉल्व है पूरे प्रोसेस

उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए कौन किसको रिपोर्ट करेगा कौन किसका क्या ड्यूटी रहेगा क्या टास्क रहेगा एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए बिल्ड कोर कोर ई ई गवर्नेंस गवर्नेंस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप द लाइक अ डेटा सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर एंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क एक कॉमन एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करो जहां पे सभी इंस्टीट्यूशन वहां पर रिलाय uh, हो सके उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलप कॉमन स्टेट वाइड प्रोजेक्ट्स डेवलप एप्लीकेशंस लाइक ई ई ई टेंडरिंग टेंडर्स 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 जो 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 अच्छा जो निकलते निकलते okay. ओके अलग अलग पब्लिक गवर्नमेंट वर्क्स के लिए रोड का टेंडर निकलता है कुछ ना कुछ लोहा खरीदने का टेंडर निकलता है वगैरह वगैरह जो भी गवर्नमेंट वाली चीजें होती है उसके टेंडर्स निकलते तो उन्होंने ई टेंडर ई ऑफिस ये सारी चीजें डेवलप की हुई है ताकि ये सब प्रोसेस अच्छे से रहे ई गवर्नेंस बन रहे पेमेंट गेट पे दैट So, e प्रॉपर तो उसमें यू नो बेसिक बता रहे कि ई e गवर्नेंस में क्या क्या कर चुके हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो सेतु सेंटर्स हमने बनाए थे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसे ही बता रहा हूँ आपको आप ये आ, नॉर्मल सर्च करोगे ना आई आप ये एड्रेस देख सकते हो आई जे सी आर टी डॉट और टाइप करके आपको ये मिल जाएगा गूगल पे फर्स्ट में ही मिल जाएगा तो ये आपको अगर रेफर करना है पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो तो सेतु सेंटर्स हमने बना के रखे ताकि लोग इजीली अः वहाँ सिटीजन जाकर अपना वहां पे काम कर सके दैट इज गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज वहां पे होती है वहाँ पे कास्ट बर्थ एज नेशनलिटी ये सब सर्टिफिकेशन का काम होता है फिर संग्राम सेंटर्स हमने बनाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ई पंचायत प्रोजेक्ट करके सारे थर्टी थ्री जिला परिषद पंचायत समिति और टू थाउजेंड सॉरी ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ग्राम पंचायत सभी को ई पंचायत सर्विस में लाकर ये कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए महा ऑनलाइन सर्विस बनाए ये सब किया हुआ है टू अगेन क्या नॉन एग्रीकल्चर परमिशन के लिए एप्लीकेशन लैंडलेस फॉर्म आप कर सकते हो तो महाडीबीटी करके इन्होंने जिसमें आप आधार कार्ड के यूज से कैश ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो इस फीचर के बारे में तो मैं खुद पर्सनली नहीं जानता आई सर अगेन स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन जो देखे थे तो आई करके बनाया जिसमें आप डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वे जितनी भी प्रॉपर्टी है एरिया में, वो पूरी ऑनलाइन डेटा आपको मिल जाएगी स्टैंप ड्यूटी इन्वेट्री मैनेजमेंट ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ये सब उन्होंने किया हुआ है अंडर ई गवर्नेंस ओके आप उसको लिख सकते हो आई सरिता सेतु सेंटर संग्राम सेंटर्स स्पेशल इंस्टीट्यूशनल मैकेजम तो अलग अलग जो बीच में बोल रहे थे लोग बना के रखती है तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात द बेनिफिट्स ऑफ गुड गवर्नेंस मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल सेटनली सर्टन डिसेज सेक्शन ऑफ द सोसाय सेम the government has created several commissions to safeguard the rights of the different sections so ab uh, good governance to humko sabko benefit inclusion rakhna hai right sabko har uh, section of society ke liye hona chahiye woh cheez aur constitution ne to तो, uh, provide uh, किया ही है कि सोशियो इकोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड पीपल और सबको इंक्लूड करने का लेकिन अलग से गवर्नमेंट ने कमीशन बना के रखे हुए हैं ताकि

तो क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज्यूशन की हेल्प से उसको इस को बनाया। body, हमने में है commission कि एक बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पर हमने शेड्यूल कास्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नेशनल कमीशन नेशनल बॉडी ऐसी बनाई है हमने. तो वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से की है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ पे है एस बी यानी बॉडी स्टैचुटरी बॉडी यानी कि में नहीं लिखी है, लेकिन जहां पर मैंने सी बी लिखा है हमने एस बी लिखा हुआ मैंने बाजू में दैट इज अस्टैचरी बॉडी यानी कि वो एक लॉ एक एक्ट पास हुआ है और उस एक्ट के ऊपर वो कमीशन बना हुआ है ओके मैंने डेट्स भी लिखी हुई है ये और ये आप इमेजेस भी आप देख सकते हो जो मैंने पोस्ट वीडियो में डाला हुआ है द अबाउट पे और डिटेल मिल जाएगा लेकिन जस्ट आपको जितना हो सके नॉलेज में दे सकूं इसलिए मैंने यहाँ पे वो ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स सो अगेन शेड्यूल ट्राइब्स जो अलग अलग पिछड़ी जातियां हैं अलग अलग ट्राइब्स जो है और जाती जातियां जातीय कास्ट ऊपर होगी ट्राइब्स जो है

कमीशन क्या करता है हर एक इंसान का बेसिक राइट जो है उसका प्रोटेक्शन के लिए ये ध्यान रखता है जो नीचे आ रहा है चाइल्ड अगेन दोनों साथ में थे लेकिन अब बाद में अगेन सेपरेट हो चुके हैं। अगेंस्ट से बेटरमेंट के लिए उनको कोई कोई प्रॉब्लम हो रही है उनको उस चीज को एड्रेस करने के लिए कमीशन बनाया गया था

और उनकी प्रोटेक्शन के लिए बना गया है कमीशन नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस तो बैकवर्ड क्लासेस अगेन एससी एसटी बैकवर्ड ओबीसी हम ये सारे वर्ड्स हम साथ में पढ़ते तो यू कैन यूज इट एज अ कीवर्ड जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है जिनको हम वीकर सेक्शन में गिनते हैं तो विमेन चिल्ड्रन एससी एसटी ओबीसीस

एक नेशनल बनाकर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रसल कमी तो इट प्रोवाइड कंज्यूमर डिस्प्यूट अगेन जो अपरचित वाली बात की थी कंज्यूमर कोट्स अलग अलग बने हुए हैं ये एक ना एस बी ना सी बी इट इज असी लॉ तो तो right uh, 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 को नहीं करती इसलिए नॉन जुडिशियल बॉडी में आया हुआ ये तो ये थोड़ा सा आई डोट वॉन्ट टू डाइवर्ट द टॉपिक बट जस्ट अंडरस्टैंड इट इज अ नॉन जुडिशियल बॉडी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिटर्सलमीशन जो कि कंज्यूमर कोर्ट और वो सारी चीजों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये सारी चीजों को वो देखता है कि कंज्यूमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए ये एक कमीशन बना हुआ है जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हो The Indian Constitution has laid down the framework of good governance through fundamental rights and directive principles of state policy. Based on these, the government has tried to develop an institutional framework for good governance. The core of good governance is a citizen centric approach to administration. It creates an environment wherein all classes of people can develop to their full potential. A responsive, accountable, sustainable, and efficient administration for the government is what India seeks to achieve. तो बहुत ही बेहतरीन एंड ये एंड पैराग्राम आप कर सकते हो हर एक आपके आंसर्स वगैरह में कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है हमें फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत सारे सब चीज बना के दिए कि कैसे गुड गवर्नेंस चलानी है क्या कोर होना चाहिए कैसे लोगों को पूरी तरह से हेल्प करना चाहिए सिटीजन सेंट्रिक कैसे चीजें रखनी चाहिए एंड सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया आई होप आपको मजा आया लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए गाइज थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइल